पिछले 5-6 लेक्चर्स में जो भी हमने डिस्कस किया वो मोस्ट जनरल केस था वेव मोशन का, यानी कि हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया एफ टी माइनस एक्स वी या जी ऑफ एक्स माइनस वी टी लिखा, या फिर हमने ये भी डिराइव कर दिया कि वेलोसिटी जो होता है रूट अंडर एफ बाई म्यू होता है। तो ये सब जो भी फॉर्मूला था ये मोस्ट जनरल फॉर्मूला है, किसी भी तरह का वेव हो, किसी भी तरह का पल्स हो, वो ट्रायंगुलर पल्स हो, इलिप्स शेप का हो, किसी भी तरह के शेप का हो, उसमें ये एप्लीकेबल होता है। अभी जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो एक पर्टिकुलर केस है। कौन सा केस है? साइनोसॉइडल वेव। साइनोसॉइडल वेव का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि ये जो आदमी यहाँ पे खड़ा हुआ है, जो x इजकल टू जीरो पे सोर्स पे आपको पल्स प्रोड्यूस कर रहा है, पल्स जनरेट कर रहा है, वो जो पल्स जनरेट कर रहा है वो साइन या कोसाइन फंक्शन जनरेट कर रहा है। यानी कि जनरल केस में तो हम लोग क्या लिखते हैं कि वाई एक्स टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी लिख देते हैं, और वाई एट एक्स इजकल टू जीरो यानी सोर्स पे जो टी फंक्शन है वो हम लोग क्या लिख देते हैं एफ ऑफ टी। ये जनरल केस में होता है कि जो सोर्स पे जो आदमी बदमाश आदमी बैठा हुआ जो सारा पल्स जनरेट कर रहा है वो कोई आर्बिट्ररी एफ फंक्शन जनरेट कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर वो एफ फंक्शन जो है वो साइन के फॉर्म में हो जाए या कॉस के फॉर्म में हो जाए तो ये जो पल्स बनता है, जो वेव बनता है, ये साइनोसॉइडल वेव होता है। तो अभी हम लोग उसी स्पेशल केस को डिटेल में स्टडी करेंगे कि अगर ये जो वेव जनरेटर है, जो आदमी है, अगर वो साइन या कोसाइन वेव जनरेट करेगा तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हम लोग मान लेते हैं कि जो एफ ऑफ टी फंक्शन क्या है वो कैपिटल ए, कैपिटल ए क्या है उसका एम्पलीट्यूड, कितना एक्सट्रीम पोजिशन तक जा सकता है, इंटू साइन ओमेगा टी, ये हो गया एफ ऑफ टी, साइनोसॉइडल फंक्शन है। अगर आप चाहें तो इस साइन ओमेगा टी में एक प्लस थीटा भी लगा सकते हैं। थीटा क्या हो जाएगा बेसिकली, अगर मैं इसमें थीटा भी एक जोड़ देता हूँ फॉर मोस्ट जनरल केस, तो थीटा आपको बेसिकली बस ये दिखा रहा है कि टाइम टी इजकल टू जीरो पे आप क्या कर रहे थे। अगर थीटा की वैल्यू जीरो है इसका मतलब टाइम टी इजकल टू जीरो पे आप यहाँ पर हैं, वाई इजकल टू जीरो पे हैं और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो है इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप यहाँ से मोशन को स्टार्ट कर रहे हैं वाई इजकल टू जीरो से और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये ए जो है वो उसका एक्सट्रीम पोजिशन है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, यहाँ पे माइनस ए हो जाएगा। तो थीटा अगर जीरो है इसका मतलब वो जो आदमी है टाइम टी इजकल टू जीरो पे यहाँ वाई इजकल टू जीरो से स्टार्ट किया ऊपर जाने लगा। अगर मान लेते हैं कि थीटा की वैल्यू देते हैं कोई बीच का कोई एंगल मान लीजिए 30 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा कि वो आदमी टाइम टी इजकल टू जीरो पे यहाँ से कहीं स्टार्ट करके ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। तो ये थीटा बेसिकली आपको दिखा रहा है इनिशियल कंडीशन कि टाइम टी इजकल टू जीरो पे उस आदमी का हाथ जो ऊपर नीचे जाने वाला है वो किस पॉइंट पे था। अगर आप थीटा इजकल टू पाई बाई टू लिखते हैं तो क्या हो जाता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, यानी कि हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई टू है इसका मतलब टाइम टी इजकल टू जीरो पे वो आदमी ऊपर में है, एक्सट्रीम पोजिशन पे है, एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट पे है और वहां से वो नीचे आ रहा है। वो इक्वेशन क्या हो जाएगा एफ टी इजकल टू ए कॉस ओमेगा टी। तो ये थीटा आपको इनिशियल फेज दे रहा है, फेज कांस्टेंट है, वो बता रहा है कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे उस आदमी का जो हाथ है वो कहाँ पर था। तो ये तो मैंने एफ टी लिखा कि ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, तो लेकिन किसी एक आर्बिट्ररी एक्स और टी का इक्वेशन क्या हो जाएगा, यानी कि वाई एट एक्स आर्बिट्ररी एक्स है, एट एन आर्बिट्ररी टाइम टी क्या होता है एफ ऑफ टी माइनस एक्स बाई वी, ये जनरल फॉर्मूला होता है। तो आप इसमें एफ टी की जगह टी माइनस एक्स बाई वी लिख देंगे तो ये हो जाएगा वाई एक्स टी हो जाएगा इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा, अंदर में आ जाएगा टी माइनस एक्स बाई वी प्लस थीटा। अब इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स बाई वी। अब ये ओमेगा एक्स बाई वी जो है इसमें ओमेगा बाई वी को एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर देते हैं जिसको कहते हैं के, वेव नंबर। अब इस साइनोसॉइडल वेव वाले चैप्टर में इस तरह के खूब सारे छोटे छोटे फॉर्मूले आएंगे, ओमेगा बाई वी इजकल टू के, के इजकल टू टू पाई बाई लैम्डा, 50 तरह के फॉर्मूले आएंगे, बहुत सिंपल होते हैं। इनमें से ज़्यादातर फॉर्मूले को आप लोगों ने एसएचएम वाले चैप्टर में भी देखा था, यहाँ भी वो लोग वापस आ रहे हैं। क्योंकि देखिए ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा बेसिकली है एंगुलर फ्रीक्वेंसी जिससे वो आदमी अपने हाथ को ऊपर नीचे कर रहा है, यानी कि ओमेगा और जो टाइम पीरियड, यानी कि टाइम पीरियड का मतलब क्या हुआ, उस आदमी को पूरा एक साइकिल करने में, यानी कि मान लीजिए सेंटर से उठा ऊपर गया नीचे आया फिर वापस आने में जो एक साइकिल हुआ उस साइकिल को कंप्लीट करने में अगर टाइम टी लग रहा है तो मैं लिख सकता हूँ ना टी इजकल टू टू पाई बाई ओमेगा। ये सब स्टैंडर्ड फॉर्मूला एसएचएम में आपने देखा होगा। तो यहाँ भी इनमें से बहुत सारे फॉर्मूले का यूज होगा।
तो सबसे पहले तो मैं ओमेगा बाई वी को के फॉर्म में लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। अब ये थीटा वाली जो पूछ है वो इसलिए अटकी हुई है क्योंकि वो दिखा रहा है कि इनिशियली एट टी इज इक्वल टू जीरो आपका वो जो आदमी है उसका हाथ किस पॉइंट पर है। मान लीजिए कि एट टी इज इक्वल टू जीरो वो ओरिजिन पे ही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, थीटा को आप जीरो भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू है, इसका मतलब वो कहाँ पर है, उस केस में वो मोशन जो है वो ऊपर से स्टार्ट कर रहा है, एक्सट्रीम पोजिशन से स्टार्ट कर रहा है, नीचे आ रहा है, और इक्वेशन क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा ना। देखिए वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू हमने पाई बाई टू ऐड की है, तो ये थीटा के कारण इक्वेशन जो है वो ऊपर नीचे थोड़ा सा। तो अभी हम लोगों ने ये डिराइव किया कि अगर एक साइनोसॉइडल वेव हो या हार्मोनिक वेव हो तो इसका इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये एक जनरल एक्सप्रेशन हो गया। और ये किस तरह के वेव के लिए है, अगर ये टुवर्ड्स एक्स जा रहा है यानी कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स की जगह आप ओमेगा टी प्लस के एक्स कर दीजिए। तो ये तो एक डिफरेंस हुआ कि जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और जो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाता है उनके वेव एक्सप्रेशन में, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो हम लोग यहाँ पे माइनस लेते हैं। दूसरा, अब इस थीटा की वैल्यू चेंज होने से क्या होता है, अगर थीटा की वैल्यू जीरो है, आपने थीटा की वैल्यू जीरो रखी है, इसका मतलब यह है कि x इज इक्वल टू जीरो पे टाइम t इज इक्वल टू जीरो यानी कि जब से मोशन स्टार्ट हो रहा है और सोर्स, ये मेरा सोर्स है, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो है, उस टाइम पे पार्टिकल जो है या जो आपका हाथ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो अगर थीटा की वैल्यू जीरो है तो y डायरेक्शन में जो मोशन है, जो डिस्टर्बेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये किस केस के लिए लिख सकते हैं, ये उस केस के लिए लिखते हैं कि थीटा की वैल्यू जीरो है, इसका मतलब इनिशियल टाइम पे t इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल यहां पे है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये इक्वेशन हो गया y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इस केस के लिए। अब देखते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई टू हो जाए तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू। साइन ऑफ एनी एंगल, मान लीजिए कि अल्फा प्लस पाई बाई टू क्या हो जाता है, कॉस ऑफ अल्फा। तो अगर आप थीटा की वैल्यू पाई बाई टू लेंगे तो ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये भी एक वैलिड एक्सप्रेशन है फॉर अ वेव, लेकिन ये किस केस में होगा, तो ये उस केस के लिए होगा कि जब आपका मोशन जो सोर्स है वो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे अपने एक्सट्रीम पोजिशन पे यहाँ पे है और यहाँ से नीचे जा रहा है, तो एक्सट्रीम पोजिशन जो एम्पलीट्यूड है ना, जो a है, मोशन जो है वो a से स्टार्ट हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तब इक्वेशन क्या हो जाएगा, a cos ओमेगा t माइनस के एक्स। अब तीसरा केस लेते हैं कि अगर मैं थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई कर दूं तो साइन ऑफ एनी एंगल प्लस पाई यानी कि साइन अल्फा प्लस पाई क्या हो जाता है, ये हो जाता है माइनस साइन अल्फा। माइनस साइन अल्फा लिखने का मतलब यह है कि आप इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ माइनस अल्फा, यानी कि अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई डाल दूँ तो मुझे बेसिकली क्या लिखना पड़ेगा, मुझे बस ये लिखना पड़ेगा कि इसको मैं ऐसा कर देता हूँ वाई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। किस केस के लिए होगा, जब थीटा की वैल्यू पाई हो जाए, तो उस केस में मोशन क्या होगा, उस केस में जो पार्टिकल का मोशन है वो ऐसा है कि जो x इज इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट है, जो सोर्स वाला पॉइंट है, वो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे है, यानी कि y डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो है लेकिन वो नीचे की तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है। तो उसको, इसको अगर मैं डायग्राम में बनाऊं तो यहां पर हो गया ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये देखिए तीन इंपॉर्टेंट केसेज होते हैं कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो है और ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वेव इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दूसरा केस होता है कि वो एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करके नीचे आ रहा है टुवर्ड्स मेन पोजीशन, तो आप इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। तीसरा होता है कि वो अपने मेन पोजीशन पे वाई इक्वल टू जीरो पे है लेकिन वो उसकी जो वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तब हम लोग लिखते हैं ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो बुक्स में आपको इन तीनों में से किसी भी एक एक्सप्रेशन से वेव को लिख सकता है। तीनों एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्या है कि टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे आपका मोशन किस तरह से था। अगर t इज इक्वल टू जीरो पे आप ओरिजिन पे थे, मीन पोजीशन पे थे और ऊपर जा रहे थे तब ये चलेगा। t इज इक्वल टू जीरो पे अगर आप एक्सट्रीम पे थे और नीचे आ रहे थे तब ये चलेगा। t इज इक्वल टू जीरो पे
अगर आपका सोर्स जो है वो ओरिजिन पे था, मेन पोजीशन पे था और नीचे जा रहे थे, तब ये इक्वेशन चलेगा। और ये तीनों इक्वेशन किसके लिए वैलिड है? फॉर अ वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन टुवर्ड्स राइट। अगर वही वेव टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाए तो सब जगह देखिए ओमेगा टी माइनस के एक्स है, इसको आप प्लस कर दीजिएगा, इसको आप यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो ये तीन तरीके से जनरली बुक्स में एस सी वर्मा की बुक में ऐसे लिखा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मेरे बुक में तो टीचर ने ऐसे लिख दिया है साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और कभी आप ऐसे लिख देते हैं साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो वेव का क्या हो सकता है इक्वेशन? तो वेव का इक्वेशन दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सब कुछ डिपेंड करता है कि इनिशियल टाइम पे, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे आपका जो सोर्स है वो किस जगह पे था, मोशन किस स्टेज में था, और वो किस पे डिपेंड करता है? थीटा पे। यानी इसलिए इस थीटा को क्या कहते हैं? इनिशियल फेज कांस्टेंट। कि इनिशियली टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, टी इज इक्वल टू जीरो पे जो सोर्स था वो किस तरह का मोशन कर रहा था, जो सोर्स पॉइंट था वो अपने मोशन के किस स्टेज में था, वो आपको कहां से मालूम चलेगा? इस थीटा से मालूम चलेगा। अगर मान लीजिए कि थीटा की वैल्यू हम लोग ले लेते हैं पाई, तो क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई। साइन पाई प्लस एनी एंगल क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि साइन पाई प्लस अल्फा जो होता है ये हो जाता है माइनस साइन अल्फा, और माइनस साइन ऑफ दैट एंगल के लिख सकते हैं आप, लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस अल्फा। यानी कि थीटा की वैल्यू अगर मैं पाई रखूं तो ये क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन जो है वो चेंज होकर बन जाएगा ऐसा कुछ, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। लेकिन थीटा इजकल टू पाई लिखने का क्या मतलब है? कि टाइम टी इजकल टू जीरो पे वो आदमी है तो ओरिजिन पे, लेकिन वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों में अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जब आप ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं तो जो पार्टिकल है वो ओरिजिन पे है लेकिन ऊपर जा रहा है। जब हम लोग साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखते हैं तो उसमें क्या होता है, पार्टिकल ओरिजिन पे है और ये कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। लेकिन अगर आप इक्वेशन को ये वाला लिख देते हैं साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो क्या होता है, पार्टिकल है ओरिजिन पे लेकिन वो नीचे की तरफ जा रहा है। तो मैं इसको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो इस पे ही कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने तो ये लिख दिया ओमेगा टी माइनस के एक्स, हमारे टीचर ने तो लिख दिया था साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। एक और टीचर कोई आएगा वो लिख देगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। इसका मतलब जो कॉस लिख रहा है वो क्या दिखा रहा है, कि मोशन जो स्टार्ट हो रहा है टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वो एक्सट्रीम पोजिशन से ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये वाला आदमी जो है वो क्या लिखेगा, कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स लिखेगा। ये आदमी जो मोशन नीचे की तरफ कर रहा है ओरिजिन से वो क्या लिखेगा, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखेगा। और जो आदमी जो ओरिजिन पे है और ऊपर की तरफ जा रहा है वो लिखेगा ओमेगा टी माइनस के एक्स। यानी कि इस थीटा की वैल्यू को चेंज करके सेम इक्वेशन को आप तरह तरह से लिख सकते हैं, डिफरेंस कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं डिफरेंस होता है? क्योंकि अल्टीमेटली एक दो साइकिल के बाद या सारा वेव तो एक ही तरह का निकलना है, तो आप टाइम टी इक्वल टू जीरो अपना किसी भी पॉइंट पर रखें, अल्टीमेटली वेव जो दाहिने तरफ निकलेगा वो सब एक जैसा ही दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि ये साइनोसॉइडल वेव है, वो एक साइकिल के बाद जो है वो आदमी अपना हाथ का मोशन तो रिपीट ही कर रहा है। तो साइन ओमेगा टी निकल रहा है या कॉस ओमेगा टी निकल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे वो आपने कहाँ पे लिया है। अगर टी इक्वल टू जीरो पे ओरिजिन पे है और ऊपर जा रहा है तो ओमेगा टी माइनस के एक्स हो गया। अगर टी इक्वल टू जीरो पे वो एक्सट्रीम पोजीशन पे है, एम्पलीट्यूड वाले पॉइंट पे है, तो इक्वेशन कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स हो जाएगा। अगर टी इक्वल टू जीरो पे वो ओरिजिन पे है और नीचे की तरफ जा रहा है तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी हो जाएगा। यही डिफरेंस है तीनों फॉर्म में। तो आप कोई भी फॉर्म लीजिए या मोस्ट जनरल केस ही ले लीजिए ना, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, इसी फॉर्म का यूज करके आप हर तरह के एक्सप्रेशन को डिराइव कर सकते हैं। फॉर सिंप्लिसिटी बीच बीच में मैं इस थीटा को जीरो भी कर दूंगा, कहीं कहीं मैं इसको के एक्स माइनस ओमेगा टी के टर्म्स में लिख दूंगा। दोनों केस में कोई डिफरेंस नहीं है, इस और इस केस में केवल पाई का डिफरेंस है, 180 डिग्री का डिफरेंस है। एक केस में पार्टिकल ओरिजिन से टुवर्ड्स अप जा रहा है, दूसरे केस में पार्टिकल ओरिजिन से टुवर्ड्स डाउन जा रहा है। तो अभी जो मैंने इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, इसका अगर मैं वेव बनाऊं तो किस तरह का बनेगा,
देखिए इस तरह का वेव बन रहा है, और ये कौन सा ग्राफ है, ये है वाई वर्सेज एक्स ग्राफ, यानी कि मैंने स्नैपशॉट लिया है, यानी कि मैंने टाइम टी को फिक्स कर दिया है, कोई एक पर्टिकुलर टाइम ले लिया है, टी इक्वल टू 2 सेकेंड, टी इक्वल टू 4 सेकेंड, और उस टाइम पर जाकर देख रहा हूं कि मेरा जो वेव है जो भरतनाट्यम कर रहा है पल्स के साथ वो कैसा दिख रहा है, तो मुझे वो ऐसा दिखेगा। इस वेव में देखिए क्या क्या खासियत है, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है इस डिस्टर्बेंस का फ्रॉम मीन पोजिशन वो क्या है, ए के बराबर है, एम्पलीट्यूड के बराबर है, होना ही है, और कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो जो टॉप मैक्सिमम पे होंगे, यहाँ पे होंगे, यहाँ पे होंगे, इनको क्या कहते हैं, क्रेस्ट, इसको कहते हैं, ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला जो हो गया, इसको कहते हैं ट्रफ। तो ये जनरल वेव इक्वेशन हो गया। अब इस एक्सप्रेशन में देखिए ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, अब अगर मुझे किसी एक आर्बिट्ररी एक्स के बारे में पता करना है कि ये इस टाइम पे किसी एक आर्बिट्ररी टाइम टी पे क्या कर्तव कर रहा है, क्या खेल कर रहा है, तो मुझे क्या मालूम होने से मालूम हो जाएगा, अगर मुझे ये मालूम हो जाए ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, यानी कि मुझे अगर ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा की वैल्यू कहीं से मालूम हो जाए, तो मैं बता सकता हूं कि अच्छा अच्छा ये एक्स आपका 2 मीटर पे है, टी 4 सेकेंड पे है, ये पार्टिकल जो है वो साइन 4π बाई कुछ भी रेडियन होगा, तो मैं बता सकता हूँ कि किस पॉइंट पर है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखा हुआ था जिसको मैंने खींच के बाहर निकाला है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है। ये समझिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का पूरा इतिहास, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सब कुछ जानता है, वो उस पार्टिकल के डीएनए जैसा है, कि अगर मुझे उस पार्टिकल का ये चीज़ मालूम हो गया ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, तो मैं कुछ भी बता सकता हूँ। इस पूरे चीज़ को कहते हैं फेज। ये जो साइन या अगर आप कॉस के टर्म्स में लिख रहे हैं तो इस पूरे के ब्रैकेट के अंदर जो है दिस इज कॉल्ड अ फेज। अगर आपको किसी भी पॉइंट का फेज मालूम हो गया, यानी कि उस पॉइंट का एक्स और टी सब कुछ मालूम होगा, तभी आप फेज निकाल पाएंगे। अगर आपको किसी एक पॉइंट का फेज मालूम हो गया, यानी कि आपको सब कुछ मालूम है उस पॉइंट के बारे में, यानी कि आपको मालूम हो जाए कि अभी वो वाई इक्वल टू 4 मीटर के डिस्प्लेसमेंट में होगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी, वो नीचे की तरफ जा रहा है या ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर आपको ये वाला एक्सप्रेशन मालूम हो जाए ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, तो आप उस किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल का सब कुछ बता सकते हैं कि उसका पोजिशन कहाँ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग पोजिशन कहाँ है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में पोजीशन कहाँ है, वेलोसिटी कितनी है, किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, 10 सेकंड बाद वो कहाँ पहुँचेगा, 10 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सब कुछ बता सकते हैं, उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फ्यूचर सब कुछ बता सकते हैं अगर आपको ये मालूम होती। ये जो एक क्वांटिटी है, इसलिए मैंने इसको लिखा, इट इज़ लाइक डीएनए ऑफ दैट पार्टिकल, उसका पूरा इतिहास ये जानता है। तो इस क्वांटिटी को ध्यान से देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, पूरे का नाम मैंने फेज दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर किसी पार्टिकल का आपको ये मालूम हो गया, यानी कि ये सब जोड़ घटाव करके कुछ आएगा, मान लीजिए कि पाई बाई थ्री आ गया, तो आप बता सकते हैं कि अच्छा अच्छा उस पार्टिकल का जो वाई पोजिशन है वो कितना होगा, ए साइन पाई बाई थ्री हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर आपको पता करना है कि इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो आप वो भी बता सकते हैं कि अच्छा अच्छा उसका वेलोसिटी हो जाएगा ए ओमेगा कॉस पाई बाई थ्री, कुछ हो जाएगा इस तरह से, यानी कि आप उस पार्टिकल के बारे में सब कुछ बता सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको ये वाला क्वांटिटी मालूम हो। इस क्वांटिटी को कहते हैं फेज, और इस फेज में जो ये कांस्टेंट टर्म है जो थीटा है, इसको कहते हैं फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं कर रहा है। देखिए ये वाला टर्म तो चेंज करेगा टाइम के साथ, एक्स के साथ ये भी चेंज करेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। ये थीटा बेसिकली क्या दिखा रहा है कि टाइम टी इक्वल टू जीरो पे जब मोशन स्टार्ट हुआ, तो आपका जो सोर्स था, जो आदमी था, उसका हाथ कहाँ से स्टार्ट किया, उसने ओरिजिन से स्टार्ट किया या यहाँ से स्टार्ट किया या एम्पलीट्यूड से स्टार्ट किया या ओरिजिन से स्टार्ट किया और नीचे की तरफ जा रहा था, तो इनिशियल टाइम में टी इक्वल टू जीरो पे मोशन कैसा था, पल्स क्या था, पल्स जनरेटर ने क्या काम किया, वो काम ये थीटा दिखा रहा है। थीटा एक बार फिक्स हो गया पाई बाई टू पाई बाई थ्री कुछ भी, उसके बाद वो पूरे मोशन के लिए कांस्टेंट रहता है, ये चेंज नहीं होता, इसलिए इसको फेज कांस्टेंट कहते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट पे आते हैं कि ऑब्वियसली जब हर पार्टिकल का अलग अलग फेज है, तो मान लीजिए कि एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है, तो दोनों तो अलग अलग तरीके से मूव करेगा, बिल्कुल करेगा ही, तो दोनों का तो पोजीशन अलग होगा, वेलोसिटी अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। देखिए जैसे दो पार्टिकल मैंने लिया है, एक का जो है पोजीशन यहाँ है, दूसरे का यहाँ है, एक की वेलोसिटी हो सकती है नीचे की हो, दूसरे की ऊपर की हो, यानी कि कोई भी आप दो अलग अलग पार्टिकल्स लेंगे इस पूरे वेव पैटर्न में या वेव फॉर्म में या वेव जो भी दिख रहा है मुझे स्नैपशॉट में, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, तो इन जनरल जो है वो
हर पार्टिकल अपना अलग अलग दुनिया में होगा, कोई ऊपर जा रहा होगा, कोई नीचे जा रहा होगा, कोई ओरिजिन पे थोड़ी देर के लिए आया होगा सुस्ताने के लिए, फिर वो आगे बढ़ेगा। तो हर पार्टिकल जो है अपनी अलग दुनिया में मस्त हैं। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप दो पार्टिकल ले लीजिए जो बिल्कुल एक साथ ही मूव कर रहे हैं, यानी कि वो एक साथ अपने मैक्सिमम पे आते हैं, एक साथ अपने मिनिमम पे आते हैं, ओरिजिन पे आते हैं, तो दोनों जो हैं वो एक साथ ही ओरिजिन पे आते हैं। ओरिजिन से अगर दोनों निकल स्टार्ट करते हैं मोशन, तो एक साथ, एक अगर नीचे जा रहा है तो दूसरा भी नीचे जा रहा है। तो क्या कोई ऐसा दो पार्टिकल या दो से ज़्यादा पार्टिकल का जोड़ा या पेयर हो सकता है जो सारा काम एक साथ करते हैं, है अलग अलग, है दूर दूर। एक हो सकता है कि x डिस्टेंस पे हो, x कोऑर्डिनेट पे, एक हो सकता है कि x प्लस l कोऑर्डिनेट पे हो, लेकिन दोनों का मोशन जो है वो इन फेज है। इन फेज का मतलब है कि दोनों हर काम एक साथ कर रहे हैं। किसी भी टाइम पे आप जाएंगे तो दोनों का पोजीशन एक होगा, उस टाइम पे दोनों की वेलोसिटी एक होगी। ध्यान रखिए मैं बोल रहा हूँ वेलोसिटी एक होगी, इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम होगा ही होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा। तो क्या ऐसे पार्टिकल्स दुनिया में होते हैं इस तरह के साइनसॉइडल वेव्स में जो हैं दूर दूर सिचुएटेड, लेकिन सारा काम जो है वो एक ही टाइम पे कर रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम पे गए, एक साथ एक किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक वाई पर हैं, उसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर आप देखेंगे तो वेलोसिटी भी सेम हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। फॉर एग्जाम्पल आप ये देख लीजिए कि ये एक पार्टिकल है, पॉइंट है, दूसरा एक पॉइंट है, किसी भी एक टाइम इंस्टेंट टी पे मैंने लिया है, ये भी अभी ओरिजिन पे है, ये भी ओरिजिन पे है, तो क्या ये दोनों फेज में है? आपको लग रहा हो कि हाँ हाँ फेज में हो सकता है, लेकिन गलत, ये दोनों फेज में नहीं है, ये और ये दोनों फेज में नहीं है। ऑल्दो दोनों का पोजिशन अभी सेम है, फेज में नहीं है, क्योंकि आप ये फॉर्मूला लगाइए वी पी इक्वल टू माइनस वी डेल वाई बाई डेल एक्स, ठीक है, और अज्यूम करिए कि जो v है वो टुवर्ड्स राइट है, इधर जा रहा है, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल है ये क्या कर रहा है, इसका मोशन अप डायरेक्शन में हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है अभी। ये जो है इसका आप देखिए स्लोप यहाँ पे पॉजिटिव है, तो vp नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या कर रहा है, ये तो नीचे जा रहा है, यानी कि दोनों फेज में नहीं है। इस इंस्टेंट पे दोनों का पोजीशन सेम है, लेकिन अगले एक सेकेंड बाद देखिएगा तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे चला गया, तो देखने में आपको लगा कि ये फेज में है, लेकिन ये फेज में नहीं है। लेकिन कुछ पार्टिकल्स फेज में अभी आपको दिख जाएंगे, जैसे ये वाला एक पार्टिकल है और ये पार्टिकल है, आप इन दोनों को देखिएगा, पोजीशन सेम है दोनों का, इसका भी वेलोसिटी अभी ऊपर जा रहा है, ये भी अभी ऊपर जा रहा है, तो ये जो है ये दोनों फेज में है। उसी तरह मान लीजिए कि आप यहाँ पे एक पार्टिकल लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं सिमेट्रिकली प्लेस्ड, ये भी फेज में होंगे। तो कौन कौन से पार्टिकल्स फेज में होंगे, मतलब एक साथ मूव कर रहे हैं, उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए वो मैं अभी बताता हूँ। ऑब्वियसली आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस मैथमेटिकल इक्वेशन से, दो पार्टिकल हैं, एक x पे है, एक x प्लस l पे है, मान लीजिए कहीं भी आर्बिट्ररी, एक x इधर है, x प्लस l इधर है, दोनों का y सेम है, यानी कि आप लिख सकते हैं a साइन ओमेगा t, जो पूरा टर्म है ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये थीटा वाली पूछ तो यहाँ रहेगी ही, इज इक्वल टू a इधर आ गया साइन, यहाँ क्या हो जाएगा ओमेगा t माइनस के x प्लस l प्लस थीटा, ये इक्वल होगा। ठीक है, क्यों इक्वल होगा, क्योंकि मैंने अभी अज्यूम किया है कि ये दोनों पार्टिकल x और x प्लस l वाले जो हैं ये दोनों फेज में हैं, फेज में हैं इसका मतलब इनका पोजीशन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में y कोऑर्डिनेट सेम होगा, उसी तरह इनकी वेलोसिटी भी सेम होगी। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, a ओमेगा आ जाएगा, फिर cos आएगा, फिर ये पूरा अंदर में वही एंगल रहेगा, दिस इज इक्वल टू a ओमेगा आ जाएगा, फिर यहाँ cos आ जाएगा, अंदर में यही रहेगा। तो अगर हमें ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना है जो सेम फेज में मूव कर रहे हैं, सेम फेज में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों पार्टिकल का पोजिशन भी सेम है, यानी कि जो y डिस्प्लेसमेंट है वो भी सेम है, और उनकी वेलोसिटी भी सेम है। तो ये जो पहला इक्वेशन क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि सपोज दो पॉइंट्स हैं, एक x पे है, दूसरा x प्लस l पे है, तो दोनों का y डिस्प्लेसमेंट सेम है, यानी कि a साइन दिस ओमेगा t माइनस के x प्लस थीटा, दिस इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस के x प्लस l प्लस थीटा, ये थीटा क्या है, इनिशियल फेज कांस्टेंट। दूसरा इक्वेशन क्या दिखा रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स का, इसका और इसका, दोनों की वेलोसिटी भी सेम है, यानी कि मैंने y वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया है, पार्शियली डिफरेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी जब डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओमेगा है, तो उसके कारण एक ओमेगा यहाँ पे आ गया, यहाँ एक ओमेगा आ गया।
तो दो पार्टिकल्स अगर फेज में है तो उनका पोजिशन भी सेम होगा वाई डायरेक्शन में, और उनकी वेलोसिटी जो पार्टिकल वेलोसिटी है वो भी सेम होगी। तो उससे मुझे ये दो इक्वेशन मिल गया। ये इक्वेशन क्या बता रहा है, इसमें ये ए और ए वाला तो टर्म कांस्टेंट है, यहाँ ए ओमेगा कांस्टेंट है, तो इन सबको मैं हटा सकता हूँ। तो इसको अगर मैं हटा देता हूँ, ये लो इन सबको मैंने यहाँ से हटा दिया, तो बेसिकली ये दो इक्वेशन क्या बता रहा है कि आपके पास ये दो एंगल है, एक एंगल ये है पूरा पूरा, मान लीजिए इसका नाम अल्फा वन है, ये पूरा पूरा एंगल मान लीजिए अल्फा टू है, और दोनों डिफरेंट होंगे। क्यों डिफरेंट होंगे, क्योंकि यहां पे देखिए मैंने प्लस एल किया है वेयर एल इज नॉन जीरो वैल्यू। तो दो एंगल है अल्फा वन अल्फा टू, उनका साइन भी इक्वल है, उनका कोसाइन भी इक्वल है। तो अगर दो एंगल जिसका साइन भी इक्वल है और उसका कोसाइन भी इक्वल है, इसका मतलब दोनों एंगल के बीच में कितना डिफरेंस होगा, आप लिख सकते हैं कि अल्फा वन और अल्फा टू के बीच में 2n पाई का डिफरेंस होगा, वेयर n इज एनी इंटीजर, जीरो ही हो सकता है, प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू कुछ भी हो सकता है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में देखा होगा। मान लीजिए कि अगर सिर्फ साइन इक्वल होता तब आप नहीं कह सकते थे कि हाँ दोनों के बीच में 2n पाई का ही डिफरेंस होगा, उसके अलावा भी और ऑप्शंस होते हैं। जैसे आप ये देखिए कि अगर दिया हुआ है कि साइन अल्फा वन इज इक्वल टू साइन अल्फा टू, ये है, तो इसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, इसका जनरल सोल्यूशन ये हो जाता है कि सपोज एक जो एंगल अल्फा वन है, दिस विल बी इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन टू द पावर एन अल्फा टू, ऐसा कुछ होता है। आप लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में ये पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो आप ऐसे देखिए कि अगर अल्फा वन और अल्फा टू दो एंगल है जिनका साइन इक्वल है, तो अल्फा टू जो है उसकी एक वैल्यू तो ये हो सकती है कि वो पाई माइनस अल्फा वन हो, बिल्कुल हो सकती है, दूसरी वैल्यू ये हो सकती है कि ये 2 पाई प्लस अल्फा 1 हो, ये भी हो सकता है, और इस तरह के और ढेर सारे वैल्यूज होंगे। जब यहाँ पे मैं पाई की जगह 3 पाई लिख दूं, यहाँ 2 पाई की जगह मैं 4 पाई लिख दूं, ऐसे ढेर सारे वैल्यूज हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा 1 अगर आपका 30 डिग्री है, तो अल्फा 2 अगर आप 150 डिग्री भी लेंगे, तो देखिए साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन ऑफ 150 डिग्री। साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि अल्फा 2 की वैल्यू 360 प्लस 30, ये कितना हो गया 390 डिग्री, ये भी हो सकता है साइन ऑफ 390 डिग्री, यानी कि 2 पाई प्लस अल्फा 1, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा 1। तो अगर किसी दो एंगल का साइन इक्वल है तो ये आपको ये दो तरह की पॉसिबिलिटीज दे रहा है। अगर n ऑड है तो n पाई माइनस अल्फा 1 हो सकता है, अगर n इवन है तो यहां पर n पाई प्लस अल्फा 1 हो सकता है। उसी तरह देखते हैं कॉस में क्या होता है, अगर कॉस अल्फा 1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा 2 हो, तो अल्फा 2 का एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि 2 पाई माइनस अल्फा 1 हो जाए, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि 2 पाई प्लस अल्फा 1 हो जाए। तो अभी मुझे क्या दिया हुआ है, अभी मुझे ये दिया हुआ है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दो एंगल हैं जिनका साइन भी इक्वल है कोसाइन भी इक्वल है, यानी कि इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सॉल्यूशन कौन सा वाला टर्म हो सकता है, ये वाला 2 पाई प्लस अल्फा 1, देखिए यहां भी है 2 पाई प्लस अल्फा 1 यहां भी है, और ये मैंने सिर्फ 2 पाई लिखा है, आप इसकी जगह पे यहां पे 2n पाई प्लस अल्फा 1 लिख सकते हैं, वेयर n इज एनी इंटीजर इंक्लूडिंग 0। जब वो 0 हो जाएगा तब उस केस में तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो गया कि अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने n को 0 रख दिया यहां पे तो बेसिकली अल्फा 2 क्या आ जाएगा, अल्फा 2 की भी वैल्यू अल्फा 1 आ गई। तो ये जो दो इक्वेशन है ये बेसिकली आपको दिखा रहा है कि ये एंगल और ये एंगल में 2n पाई का डिफरेंस होगा, वेयर n इज एनी इंटीजर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। तो अब इन दोनों एंगल पे मैं अटैक करता हूं, इन दोनों एंगल के साथ देखता हूं कि अगर 2n पाई का डिफरेंस है तो क्या होता है। तो मैं लिख सकता हूं ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, दिस विल बी इक्वल टू ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस एल प्लस थीटा प्लस 2n पाई, वेयर n इज एनी इंटीजर। अब यहां से देखने से आपको लग रहा है बहुत सारे टर्म्स कॉमन है, ओमेगा टी कॉमन है कट जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहां भी माइनस के एक्स है यहां भी माइनस के एक्स है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो इफेक्टिवली आपको लास्ट में जाकर क्या बचेगा, आपको ये बचेगा कि k टाइम्स l इज इक्वल टू 2n पाई, यानी कि l इज इक्वल टू 2n पाई डिवाइडेड बाई k। अब ये l था क्या, जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो l ऐसे दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस था जो सेम फेज में मूव कर रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऐसे जो खूब सारे पॉइंट्स होंगे जो सेम फेज में मूव कर रहे हैं, वैसे किसी पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पॉसिबल है, क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ही हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ का डेफिनेशन क्या हुआ, वेवलेंथ इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
बिटवीन एनी टू पॉइंट्स मूविंग इन फेज, यानी कि आप वैसे पॉइंट्स को ढूंढ लीजिए, सर्च कर लीजिए दो पॉइंट्स का पेयर जो एक साथ मूव कर रहे हैं, फेज में मूव कर रहे हैं, यानी कि उनका पोजिशन भी सेम है किसी भी टाइम इंस्टेंट पे और उनकी वेलोसिटी भी सेम है। ऐसे जब आपने खूब सारे पॉइंट्स निकाल लिए हैं, और ऑब्वियसली ढेर सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ऐसे, वैसे किसी दो पॉइंट्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या पॉसिबल है उसको कहते हैं वेवलेंथ। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए इस एक्सप्रेशन में देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एन को मुझे वन रखना पड़ेगा। एन को अगर आप जीरो रखेंगे तो एल की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, यानी कि आप उछलकर उसी पॉइंट पर वापस आ गए। जब मैं एन की वैल्यू यहां पर वन रखता हूं तो ये हो जाएगा, एन इजकल टू वन डालेंगे तो हो जाएगा लैम्डा, लैम्डा इजकल टू टू पाई अपॉन के। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वेवलेंथ का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। वेवलेंथ को आप के के टर्म्स में लिखें तो ऐसा हो जाता है लैम्डा इजकल टू टू पाई अपन के। अब ये के क्या था भाई, के था ओमेगा बाई वी। तो इसको अगर लैम्डा को मैं ओमेगा बाई वी के टर्म्स में लिख दूं तो ये हो जाएगा लैम्डा इजकल टू टू पाई, ओमेगा नीचे आ गया, वी ऊपर चला गया। अब इस वी को मैं सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बना लूं तो क्या हो जाएगा, वी इजकल टू लैम्डा इंटू ओमेगा अपन टू पाई। ओमेगा अपन टू पाई क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, तो मैं लिख सकता हूँ वी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी। तो अब देखिए यहाँ पे आप खूब सारे फॉर्मूले जो हैं यहाँ पे एक दूसरे से डिराइव कर सकते हैं, और ये सारे फॉर्मूले एक दूसरे से रिलेटेड हैं। क्यों रिलेटेड है, क्योंकि जितनी भी क्वांटिटीज है, या तो के हो, ओमेगा हो, वी हो, लैम्डा हो, टी हो, ओमेगा हो, ये सब आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, सब एक दूसरे के गोतिया टाइप के हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी से आप दूसरे क्वांटिटी तक बहुत ही आसानी से पहुंच सकते हैं, और इसमें से तो ढेर सारे फॉर्मूले एग्जैक्टली वही हैं जो आपने एसएचएम वाले चैप्टर में भी देखा होगा। जैसे टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, एक हो जाता है ओमेगा इज इक्वल टू टू पाई न्यू, वेयर न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ये सब जो फॉर्मूले हैं वो तो एग्जैक्टली वही हैं जो एसएचएम में भी होते थे। बाकी कुछ फॉर्मूले यहाँ पे नए आए हैं, वो नए फॉर्मूले किसके कारण आए हैं, इस लैम्डा के कारण। देखिए ये जो लैम्डा का कॉन्सेप्ट है ये आप लोगों ने एसएचएम वाले चैप्टर में नहीं पढ़ा होगा। क्यों नहीं पढ़ा होगा सोचिए, ये भी कॉन्सेप्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लैम्डा क्या है, लैम्डा है ऐसे किसी दो पॉइंट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस याद रखिए, जो सेम फेज में मूव कर रहे हैं। यानी कि लैम्डा का कॉन्सेप्ट तो तभी आएगा ना जब आपके पास ढेर सारे पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रहे हैं। जब हम लोग एसएचएम की बात करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि एसएचएम में तो भाई लो मेरा एक पार्टिकल है वो अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन या अलॉन्ग वाई डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो एसएचएम में क्योंकि एक ही पार्टिकल का मोशन हो रहा है, एक ही पार्टिकल के लिए ऑसिलेशन हो रहा है, इसलिए वहां पे लैम्डा का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। जब लैम्डा का कॉन्सेप्ट नहीं है तो वहां पर के का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। वेव नंबर वाला जो कॉन्सेप्ट है, के का कॉन्सेप्ट नहीं है, लैम्डा का कॉन्सेप्ट नहीं है, वहां पर वी का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है एसएचएम वाले चैप्टर में। लेकिन वहां पर क्या क्या होता है, ओमेगा होता है, टी होता है, टाइम पीरियड होता है। टाइम पीरियड क्या होता है कि कोई एक पार्टिकल को अगर आप देख लीजिए कि अपना पूरा एक ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगा। मान लीजिए कि कोई भी पार्टिकल है, सपोज यहीं पे मैं ओरिजिन पे ही आ जाता हूं, यहां पे एक आदमी है पागल सा आदमी जो हाथ को ऊपर नीचे कर रहा है, उस आदमी को अपने हाथ को ऊपर ले जाने में एक ऑसिलेशन कर एक्सट्रीम पे जाने में, फिर नीचे आने में, फिर वापस मीन पोजीशन पे आने में, यानी कि पूरा एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लग रहा है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। तो ये डेफिनेशन एग्जैक्टली वही था जो एसएचएम में था, वही डेफिनेशन हम लोग वेव मोशन में भी ले आते हैं। वेव मोशन में एक्स्ट्रा क्या आ गया, लैम्डा आ गया। और ये लैम्डा का कॉन्सेप्ट कहां से आया कि आपके पास ढेर सारे पार्टिकल्स हैं और हर पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है। देखिए अगर आपके पास एक हार्मोनिक वेव है या साइनसॉइडल वेव है, तो साइनसॉइडल वेव और एक सिंपल ऑसिलेशन जो एसएचएम में हम लोग देखते थे, उसमें क्या डिफरेंस है। एसएचएम होता था एक पार्टिकल का ऑसिलेशन, लेकिन वेव में क्या हो रहा है, आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, ये मैंने एक स्नैपशॉट लिया है ना किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट टी पे वाई वर्सेज एक्स, यानी कि ये जो स्ट्रिंग है वो उस टाइम में मेरा ऐसा दिख रहा है। इस स्ट्रिंग में इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, यहां भी पार्टिकल, यहां भी पार्टिकल है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। हर पार्टिकल क्या कर रहा है, हर पार्टिकल अपने आप में एसएचएम कर रहा है। यानी कि किसी भी पार्टिकल्स के पास आप जाएंगे, सपोज मैं इसी के पास गया जो एक्स डिस्टेंस पर है, तो ये क्या कर रहा है, ये ऊपर नीचे कर रहा है। अगर आप इससे पूछेंगे कि बेटा तुम क्या कर रहे हो, तो वो बोलेगा कि मैं एसएचएम कर रहा हूं, वाई डायरेक्शन में अलोंग वाई एक्सिस कर रहा हूं।
इस पार्टिकल से पूछेंगे तो ये भी बोलेगा कि मैं SHM कर रहा हूं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो मैकेनिकल वेव्स होते हैं, मैकेनिकल वेव्स इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ईच डूइंग SHM। अब ध्यान दीजिए, मैं मैकेनिकल वेव क्यों बोल रहा हूं, मैं मैकेनिकल वेव इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैकेनिकल वेव में ही आपको पार्टिकल मिल सकते हैं। अगर आप लाइट वेव की बात कर रहे हैं तो वो तो वैक्यूम से क्रॉस कर रहा है, वहां तो कोई पार्टिकल है ही नहीं जो ऊपर नीचे ऑसिलेशन करेगा। तो जहां भी मैकेनिकल वेव की आती है, मैकेनिकल वेव में इंडिविजुअल पार्टिकल्स होंगे। और अगर वो साइनोसॉइडल वेव है, देखिए मैं साइनोसॉइडल वेव की बात कर रहा हूं, इस तरह का जो साइन या कोसाइन कर्व का है, तो उसमें हर पार्टिकल जो है, ये वाला पार्टिकल वो हर पार्टिकल SHM करेगा। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक मैकेनिकल साइनोसॉइडल वेव है या हार्मोनिक वेव है, तो उस वेव को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑल मूविंग इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि इसमें ढेर सारे पार्टिकल्स होंगे, सभी पार्टिकल्स जो हैं वो SHM मोशन कर रहे हैं, और उन सारे पार्टिकल्स का जो कलेक्शन बन जाता है वो बन जाता है वेव। अब जब हर पार्टिकल SHM करेगा तो ये नेचुरल क्वेश्चन होगा कि एक पार्टिकल है और उसके अगल बगल क्या कोई दूसरा ऐसा पार्टिकल है जो सेम फेज में हो, यानी कि दोनों एक साथ ऊपर जाएं, एक साथ नीचे गिरें, एक साथ सोएं, एक साथ उठें, ऐसा क्या पार्टिकल हो सकता है? ऐसा बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने ये एक एक्स लिया, तो यहां पर एक एक्स प्लस एल पे, अगर ये लैम्डा डिस्टेंस है तो x प्लस लैम्डा डिस्टेंस पे एक पार्टिकल होगा, यहां पर x प्लस 2 लैम्डा डिस्टेंस पे पार्टिकल होगा, यानी कि ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं जो सेम फेज में हो, और हर पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग, जैसे यहां एक पार्टिकल है तो इसके भी करस्पॉन्डिंग खूब सारे पार्टिकल्स होंगे जो सेम फेज में हो। तो ये जो वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट है, ये वेव मोशन में ही होता है। वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट कहां से आया? जब आप एक वेव को देखेंगे, ऐसे वेव मोशन को, तो कोई भी पार्टिकल लेंगे तो उसके साथ फेज में आपको ढेर सारे पार्टिकल मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक पार्टिकल यहां लिया, तो यहां पे एक पार्टिकल है, यहां आगे जाकर एक पार्टिकल होगा जो सेम फेज में है। तो ऐसे जितने भी पार्टिकल हैं जो सेम फेज में हैं, उनके बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? मिनिमम डिस्टेंस होगा ये, इसको कहते हैं लैम्डा। उसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया? ये हो गया। तो ये तो ढेर सारे फॉर्मूले हो गए जो आप वेव मोशन वाले चैप्टर में कहीं भी यूज कर सकते हैं। इनमें से किसी को भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक दो फॉर्मूले को याद कर लीजिए। ये एक बेसिक फॉर्मूला है कि v इक्वल टू न्यू लैम्डा, क्योंकि ये वेव स्पीड को दिखा रहा है। उसके बाद आप चाहें तो ये k वाला याद कर लें, क्योंकि k जो है वेव नंबर, ये काफी जगह यूज होता है, k इक्वल टू ओमेगा बाय v। उसके बाद आपको तो ये सब मालूम ही है कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π बाय ओमेगा। ये सब तो बेसिक फॉर्मूला है जो सर्कुलर मोशन में भी आप देखते हैं कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π बाय एंगुलर वेलोसिटी, उसी टाइप का ये है। तो ये दो तीन फॉर्मूला अगर आप याद रखेंगे तो उससे ये बाकी सारा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला हो गया, ये सब आपस में एक दूसरे से डिराइव हो जाते हैं। एक स्ट्रिंग पे अगर ऐसे वेव मोशन हो रहा है, इस पे अगर आप दो कोई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लेते हैं, मान लीजिए कि ये पॉइंट है x1, ये है x2, तो दोनों पॉइंट्स के पास कुछ अपना अपना फेज होगा, इन दोनों फेज में कुछ डिफरेंस होगा, इन दोनों पॉइंट्स के फेज में जो डिफरेंस होता है उसी को कहते हैं फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस कैसे फाइंड करेंगे? सपोज y, उसका एक्सप्रेशन है डिस्प्लेसमेंट का, ये हो गया a साइन ओमेगा टी माइनस के x1 कर देते हैं, मान लीजिए कि ये वाला पॉइंट x1 पे है, प्लस थीटा भी रहने देते हैं, चलो भाई। दूसरा पार्टिकल जो है उसका डिस्प्लेसमेंट और उसका इक्वेशन क्या होगा? वो हो जाएगा इस तरह का, साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस थीटा हो जाएगा। अब दोनों पार्टिकल का फेज क्या है? यहाँ पे जो x1 है इसका फेज ये है, यहाँ पे सपोज जो दूसरा पार्टिकल x2 है इसका फेज ये है। दोनों का डिफरेंस निकालिए। जब आप डिफरेंस निकालेंगे, साइन करके डिफरेंस नहीं, सिर्फ ये जो अंदर में एंगल है उसका डिफरेंस, क्योंकि फेज हम किसको बोलते हैं? ये वाला जो है इसी को फेज बोलते हैं ना, ये है, इसको कहते हैं फेज। ये जो है ना ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, ये होता है पूरा पूरा फेज। तो जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ओमेगा टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो फेज डिफरेंस क्या होगा? इसको मैं लिख सकता हूं, फेज डिफरेंस इज इक्वल टू के इंटू x2 माइनस x1। और k क्या होता है? k होता है 2π बाई लैम्डा। तो इसको आप ऐसे लिखिए, 2π बाई लैम्डा इंटू x2 माइनस x1, को चाहूं तो मैं डेल्टा x भी लिख दूं। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? फेज डिफरेंस का। बुक्स में इसको कभी कभी ऐसा भी लिखते हैं, डेल्टा फाई।
तो इस रिलेशन को देखिए क्या है, डेल्टा फाई यानी कि फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या होगा, 2π/λ इंटू डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स डेल्टा एक्स। तो ये फेज डिफरेंस का रिलेशन है। इन सबको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आपको ये बेसिक एक्सप्रेशन अच्छे से समझ में आता है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, आप उसमें एक्स वन और एक्स टू डालेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे, अपने आप ही आ जाएगा 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। इसको आप दूसरे तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। आपको मालूम है कि पूरा एक लैम्डा मतलब एक वेवलेंथ करने में कितना फेज चेंज होता है, 2π का चेंज होता है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे फेज 0 है तो यहाँ पे फेज 2π हो जाता है, यानी कि लैम्डा डिस्टेंस करने में 2π फेज चेंज होता है। तो अगर मुझे डेल्टा एक्स डिस्टेंस कवर करना है तो कितना फेज चेंज होगा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो इसी फॉर्मूले को आप दूसरे तरीके से यूनिटरी मेथड से भी डिराइव कर सकते हैं। तो ये देखिए क्या हुआ, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। इसी फॉर्मूले इसी रिलेशन का यूज हम लोग आगे जब इंटरफेरेंस पढ़ेंगे, जब ऑप्टिकल वेव्स पढ़ेंगे उसमें इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन वगैरह देखेंगे तो वहाँ इस रिलेशन का काफ़ी यूज होता है। वहाँ पे आपको बताया जाएगा कि सपोज ये एक पॉइंट है, यहाँ पे एक सोर्स यहाँ से आ रहा है सपोज लाइट, दूसरा सोर्स यहाँ पे है, एक सोर्स जो है x1 डिस्टेंस पे है, दूसरा x2 डिस्टेंस पे है, तो इस पॉइंट पे दोनों सोर्सेज से जो लाइट आ रहा है उनका पाथ डिफरेंस क्या है, डेल्टा x। इस पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। तो ये सब कॉन्सेप्ट जब आगे हम लोग इंटरफेरेंस स्टडी करेंगे साउंड वेव्स में या लाइट वेव्स में भी, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट काफी यूज होता है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है। फेज डिफरेंस जो है वो 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस होता है, ये होता है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लैम्डा क्या होता है, आप वैसे पॉइंट्स ले लीजिए जो सेम फेज में हो और वैसे पॉइंट्स के बीच में मिनिमम डिस्टेंस क्या पॉसिबल हो सकता है उसको कहते हैं लैम्डा। ये क्या है, वाई एक्स डायग्राम है, यानी कि एक स्नैपशॉट डायग्राम है, यानी कि वेव का स्ट्रिंग का मैंने एक फोटो लिया है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, सपोज टाइम टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे एक पर्टिकुलर टाइम पे वेव की फोटो ली और तब जाकर देखा कि कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जो सेम फेज में हैं, उन पार्टिकल्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये हो गया लैम्डा। तो ये वाई एक्स डायग्राम है, ये दो पार्टिकल देखिए, ये वाला पॉइंट फेज में है, उनके बीच का डिस्टेंस लैम्डा है, तो ये वेवलेंथ हो गया। तो ये लैम्डा वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट कब आता है, ये वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट आता है वेव में, यानी कि वहां पे मुझे वाई वर्सेज एक्स चाहिए, यानी कि मुझे डिफरेंट एक्स के लिए कंपेयर करना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिफरेंट एक्स मतलब डिफरेंट पॉइंट्स, हम लोग डिफरेंट पॉइंट पे जाकर देखते हैं कि अच्छा वहां पर वाई क्या है, वहां पे वेलोसिटी क्या है, वो दोनों अगर सेम हो गया तो कहते हैं कि हाँ ये दोनों पॉइंट्स फेज में हैं। इसलिए मैंने अभी बताया कि ये वेवलेंथ का जो कॉन्सेप्ट है वो वेव मोशन में ही आता है, SHM वाले चैप्टर में वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि वेवलेंथ के लिए आपको क्या चाहिए, आपको डिफरेंट एक्स चाहिए, डिफरेंट पॉइंट्स चाहिए, आपको एक स्ट्रिंग चाहिए, उस स्ट्रिंग के अलोंग आप देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो फेज में हैं। तो ये हो गया वाई वर्सेज एक्स डायग्राम। तो ये तो हो गया वेवलेंथ या लैम्डा। अब टाइम पीरियड टी क्या होता है, जब हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं तो किसी एक खास पर्टिकुलर पार्टिकल पर ध्यान देते हैं, वो पार्टिकल हो सकता है सोर्स भी हो सकता है जहां पर आप हाथ ऊपर नीचे कर रहे हैं, या कोई भी दूसरा कोई एक पर्टिकुलर पार्टिकल हो सकता है, यानी कि पर्टिकुलर एक्स हो सकता है, और उस पर्टिकुलर एक्स के लिए आप मोशन को देखते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में कि अच्छा कितनी देर बाद वो वापस अपने आप को रिपीट कर रहा है। यानी कि अगर हम लोग टाइम पीरियड की बात करें तो हमें कुछ इस तरह का ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, ये वाई वर्सेस टी ग्राफ बनाना पड़ेगा, किसके लिए, किसी एक खास पॉइंट के लिए। तो मान लीजिए कि ये मैंने एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर पे जो पॉइंट है उसके लिए ये क्या बनाया है, वाई वर्सेज टी डायग्राम बनाया है। तो ये कौन सा डायग्राम हुआ, ये हुआ वीडियो रिकॉर्डिंग, ये हो गया ना वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, क्यों, क्योंकि ये वाई वर्सेज टी हुआ, ये क्या था, स्नैपशॉट डायग्राम। स्नैपशॉट क्यों हुआ, क्योंकि यहां पर क्या है, टाइम फिक्स है और आपने वाई वर्सेज एक्स बनाया है, यहां पे क्या है, एक्स फिक्स है, आपने कोई एक पर्टिकुलर एक्स ले लिया और उस पर्टिकुलर एक्स पे अपना वीडियो कैमरा लगाकर रिकॉर्ड कर रहे हैं कि अच्छा जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है
तो इस पॉइंट एक्स का जो एक फिक्स्ड पॉइंट है उसका वाई कैसे वेरी कर रहा है, वो ऐसे ऐसे वेरी करेगा। तो ये हो गया वाई वर्सेज टी ग्राफ, ये है वाई वर्सेज एक्स ग्राफ। अब कोइंसिडेंस की बात है कि जब हार्मोनिक वेव्स होते हैं या साइनोसोइडल वेव्स होते हैं तो दोनों फंक्शन देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है कि अच्छा ये डायग्राम स्नैपशॉट क्यों है, ये वीडियो रिकॉर्डिंग क्यों है, अलग अलग कैसे हुआ। अलग अलग कैसे हुआ ये देखिए कि दोनों में वाई तो सेम है लेकिन इसमें क्या है एक्स है, इधर है टी, यानी कि इसमें टाइम फिक्स है और इसमें एक्स फिक्स्ड है। जब टाइम फिक्स है इसका मतलब ये वाई वर्सेज एक्स हो गया। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपने फोटो खींची, एक स्नैपशॉट मिल गया, उस स्नैपशॉट में किसका स्नैपशॉट है, ये पूरे वेव का, पूरे स्ट्रिंग का स्नैपशॉट है कि उस टाइम में स्ट्रिंग कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। देखिए ये जैसा है ना, उस टाइम पे स्ट्रिंग, पूरा स्ट्रिंग ऐसा दिख रहा है। ये जब हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्स, सपोज एक्स इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, उस पर्टिकुलर एक्स के लिए जब आप टाइम के रिस्पेक्ट में उसका वाई बनाते हैं तो ये ऐसा दिखता है, वाई वर्सेस टी डायग्राम। और इसमें देखिए ये जो है टाइम पीरियड क्या है, ये है, ये बेसिकली क्या दिखा रहा है कि कितने टाइम के बाद वो पार्टिकल जो है अपने मोशन को रिपीट करता है। सपोज ये अपने पीक पे था तो हम पूछ रहे हैं कि कितने टाइम के बाद ये अपने पीक पे, टॉप वाले पीक पे, ये ट्रफ पे नहीं क्रेस्ट पे, अपने क्रेस्ट पे कितनी देर के बाद वापस आएगा। तो यहां से ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ, वापस आ गया, तो ये जो टाइम हुआ यहां से लेकर यहां तक, इसको कहते हैं टाइम पीरियड टी। आप किसी भी दो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट को ले सकते हैं, यहां से स्टार्ट किया, ऐसे 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 गया, ऐसे गया, फिर वापस यहां पे आ गया, तो इसमें आने का भी जो टाइम लगा ये भी हो गया टाइम पीरियड टी। तो टाइम पीरियड का मतलब यह है कि आप एक पर्टिकुलर एक्स के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि तुम कितनी देर में एक साइकिल कंप्लीट करते हो, कौन से शॉर्टेस्ट टाइम के बाद तुम वापस उसी जगह पहुंच जाते हो डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में जहां से तुमने मोशन स्टार्ट किया। यानी कि सपोज आप ये ऐसे देखिए, ये इसने सपोज यहां से स्टार्ट किया, ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, वापस यहां पे आ गया, कितनी देर के बाद आया, टाइम टी के बाद। तो ये टाइम टी क्या हो गया, टाइम पीरियड। ऑब्वियसली 2t के बाद भी आएगा लेकिन जो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल होता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। जिस तरह यहां पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको लैम्डा कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, यहां पे जो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल होता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। और इन दोनों डायग्राम के बीच में लिंक क्या है, रिश्ता क्या है, इन दोनों को कनेक्ट करता है, क्या कनेक्ट करता है, वी, वेव स्पीड, वेव वेलोसिटी। कैसे कनेक्ट करता है, वेव वेलोसिटी क्या होता है, लैम्डा अपॉन टी, इसको ऐसे भी लिख दें लैम्डा न्यू। तो इससे देखिए ये जो रिलेशन है ना, वी इज इक्वल टू लैम्डा न्यू या लैम्डा अपॉन टी, ये दोनों स्नैपशॉट और वीडियो रिकॉर्डिंग वाले डायग्राम को कनेक्ट करता है। वी एक ऐसा पैरामीटर है, वी क्या है, वेव स्पीड, वेव स्पीड एक ऐसा पैरामीटर है जो लैम्डा को, लैम्डा कहां पे आता है, वाई वर्सेज एक्स ग्राफ में, इस लैम्डा को और इस टी को, टी कहां आता है, किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल के टाइम ग्राफ में, इस लैम्डा और टी को कनेक्ट करने वाला क्या है, वी है, वेव स्पीड या वेव वेलोसिटी। तो हमने ये देखा कि ये जो लैम्डा और ये जो टाइम पीरियड कह ले या इसको 1/ν कह ले, बिकॉज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/frequency, इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है वी इक्वल टू लैम्डा न्यू वाला फॉर्मूला। तो जब ये वी इक्वल टू लैम्डा न्यू वाला फॉर्मूला इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो कॉमन मिसकंसेप्शन कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि अच्छा इसका मतलब जो वेव स्पीड है वो लैम्डा पे डिपेंड कर रहा है या वेव स्पीड जो है वो न्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये गलत बात है। वेव स्पीड ये जो वी है वो लैम्डा या न्यू पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रादर उल्टा है, वी जो है वो सबका बाप है। ये कह सकते हैं कि जो लैम्डा है वो वी पे डिपेंड कर रहा है। आपने सपोज एक स्ट्रिंग लिया, उस स्ट्रिंग का एफ फिक्स है, उस स्ट्रिंग का म्यू फिक्स है, जैसे ही एफ और म्यू फिक्स हो गया उसकी वेलोसिटी रूट अंडर एफ बाई म्यू फिक्स हो गई, सपोज ये 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, ये वी फिक्स हो गया, ये फंडामेंटल है। अब जब आप इस पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं या ऑसिलेशन कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सपोज न्यू है, तो न्यू आपके हाथ में है कि ठीक है आपने इसको 100 हर्ज कर दिया या 200 हर्ज कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने न्यू डिसाइड किया, वी जो है वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, लैम्डा आपका फिक्स हो गया। तो ये कभी मत सोचिए कि लैम्डा और न्यू ये दोनों मिलकर वी बनाते हैं, ये दोनों मिलकर वी की वैल्यू डिसाइड करते हैं, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, वी जो है वो तो अपनी अलग दुनिया में है, वो इंडिपेंडेंट है,
वो अपने आप को खुद से डिपेंडिंग अपॉन द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम की टेंशन क्या है, म्यू क्या है, उन सब से वी अपने आप को डिसाइड कर लेता है। वी जब आपका फिक्स हो गया और आपने फ्रीक्वेंसी डिसाइड कर ली कि मुझे 10 नंबर ऑफ ऑसिलेशन करना है या 20 नंबर ऑफ ऑसिलेशन करना है, तो आपने न्यू भी डिसाइड कर लिया। जब आपने वी डिसाइड कर लिया डिपेंडिंग अपॉन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, न्यू डिसाइड कर लिया, तो लैम्डा जो है वो गया गुजरा प्राणी, वो अपने आप को एडजस्ट ऐसे करेगा कि वो व्यू बाय न्यू के बराबर हो जाए। यानी कि लैम्डा को हर केस में एडजस्ट करना पड़ता है। नॉर्मली फ्रीक्वेंसी जो है वो भी एडजस्ट नहीं करता है, क्योंकि वो आपके हाथ में है कि कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड आप कर रहे हैं। ये जो वेलोसिटी है, जो वेव स्पीड है, ये तो खैर सबका बिग बॉस है, ये तो इन सब फ्रीक्वेंसी पे भी डिपेंड नहीं करता, वो तो सीधे रूट अंडर एफ बाई म्यू होता है। तो वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला क्या होता है, वी इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। अब आप कहें कि इन दोनों फॉर्मूले में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन फंडामेंटल है, तो ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा फंडामेंटल है। क्यों है वो सोचिए। ये फॉर्मूला जो है वो डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ इंट्रेंसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम। यानी कि मान लीजिए कि अगर मेरे पास एक ऐसा स्ट्रिंग दे देता है कोई और इस पर इस तरह का कोई पल्स आ गया, तो अगर मुझे स्ट्रिंग का एफ मालूम है, म्यू मालूम है, मैंने उसका वी इज इक्वल टू रूट अंडर एफ बाई म्यू से फाइंड कर लिया। लेकिन अगर आप इस फॉर्मूले के चक्कर में लगे हुए हैं वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो इस तरह के पल्स के लिए तो आप न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी तो कुछ दिख ही नहीं रही है, क्योंकि लगातार ये वेव ट्रेन तो बन नहीं रहा है ना, ये पीरियोडिक वेव है, तो यहाँ पर फिर लैम्डा का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा उसी केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है जब मान लीजिए कि आपके पास पीरियोडिक पल्सेज आ रहे हैं, या हार्मोनिक वेव आ रहा है, साइनसोइडल वेव आ रहा है, या मान लीजिए कि अगर स्क्वायर शेप में भी वेव आ रहा है तो बिल्कुल पीरियोडिक आ रहा है कि ठीक है हर एक मिनट में 10 ऐसे पल्सेज आ रहे हैं इक्वल शेप एंड साइज के, उस केस में आप ठीक है लगा सकते हैं कि वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वो सब कुछ कुछ लगा लिया। लेकिन अगर मान लीजिए कि वेव ऐसा है कि ये स्ट्रिंग है और इस पे सिर्फ ये एक पल्स है, या मान लीजिए कि दो पल्स भी है लेकिन दोनों में कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, कुछ वो सब चक्कर नहीं है न्यू वगैरह का, तो अगर आपको जब न्यू ही नहीं मालूम है, जब आपको लैम्डा ही नहीं मालूम है, तो आप ये फॉर्मूला क्या लगाइएगा। इसलिए ये जो फॉर्मूला है ना वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा बहुत ही स्पेशल केस के लिए एप्लीकेबल है। कौन सा स्पेशल केस, जब जो वेव है वो पीरियोडिक हो या साइनसोइडल हो। यानी कि जहाँ पे पीरियोडिक होगा तभी मैं न्यू की बात कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं लैम्डा की बात कर सकता हूँ। अगर उस तरह का वेव नहीं हो, सिंपल ये इस तरह का एक सिंगल पल्स हो या दो तीन पल्स हो या आर्बिट सा कोई कोई पल्स हो, मान लीजिए कि इस तरह का है फिर इस तरह का है, कोई इसमें डेफिनेट शेप एंड साइज नहीं है, बिल्कुल भरतनाट्यम टाइप का कोई वेव आ रहा है कि कभी तो ये मन किया कि चलो ऐसे ऐसे हो गया, फिर मन किया तो ऐसे हो गया, फिर मन किया तो ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे हो गया, ये भी तो एक वेव है ना। मान लीजिए कि बिल्कुल एक सही में एक पागल टाइप का आदमी यहाँ पे है और तरह तरह के वो पल्सेज जनरेट कर रहा है। तो अब अगर आप इस चक्कर में बैठे हुए हैं कि अच्छा अच्छा वो आदमी तो मुझे बताएगा कि भाई मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी है, वो तो बताएगा नहीं, कभी वो एक सेकेंड में 10 पल्स जनरेट कर रहा है, अगले सेकेंड में हो सकता है वो 2 पल्स जनरेट करें, उसके अगले सेकेंड में 20 पल्स जनरेट कर दें, तो फ्रीक्वेंसी का तो कॉन्सेप्ट ही टूट फूट गया, कुछ है ही नहीं। उसी तरह यहाँ पे कुछ लैम्डा भी आपको नहीं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा ना, देखिए ये सब जो त्रिंग भ्रिंग हो रहा है, जो भी ये सब वेव बना है, इसमें ना तो लैम्डा का कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ना फ्रीक्वेंसी का कुछ कॉन्सेप्ट दिख रहा है, तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते हैं। तो याद रखिए वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा तभी लगेगा जब पीरियोडिक वेव हो, साइनसोइडल वेव हो, हार्मोनिक वेव हो। लेकिन ऐसे भी पागल टाइप के आदमी के केसेज में, देखिए ये वाला जो है ना, इस टाइप के भी केसेज में ये फॉर्मूला जो है वो हमेशा एप्लीकेबल होता है। यानी कि ये फॉर्मूला साइनसोइडल वेव में तो लगेगा ही लगेगा, उसके अलावा दुनिया में कितने भी तरह के, जितने भी तरह के प्रोग्रेसिव वेव हो, सब में ये लग जाता है वी इक्वल टू रूट अंडर एफ बाई म्यू। क्यों लगता है? क्योंकि आपके पास वेव अगर है तो मीडियम होगा, मीडियम होगा तो उसके पास टेंशन होगा, मीडियम है तो उसके पास म्यू होगा, एफ होगा, म्यू होगा, एफ बाई म्यू करके रूट अंडर कर दीजिए, वी आ गया। तो इसलिए ये वाला जो फॉर्मूला है वो ज़्यादा फंडामेंटल फॉर्मूला है। ये वाला जो फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, बस ये क्लास 9th-10th में बच्चों को बहलाने फुसलाने के लिए है कि चलो भाई न्यू एक होगा एक लैम्डा होगा। लेकिन अगर ऐसा कोई आर्बिट वेव हो गया जिसमें न्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तब आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं।